हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम उदास है। हाँ बशीर, पहले मैं वीडियो का टाइटल बताऊंगा, वो है वनडे में ले आए सूर्य कुमार यादव T20 वाला तूफान। इन पांच कामों से फॉर्म में आए वापस सूर्य, मतलब पांच कल जो तूफान लाए ना, मतलब सूर्य कुमार यादव वाकई वो तूफान था, उस तूफान में उड़ गया है। मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को उड़ा कर रख दिया, और वनडे बाकी T20 की तरह खेले भाई। 37 बालों पे 72 स्कोर था, ये T10 लीग बन गई थी। 37 बालों पे 72 स्कोर मारा इन्होंने यार। ये मतलब इनको एक दो ओवर सिर्फ और मिलते ना तो इन लोगों ने सेंचुरी कर देनी थी। इनको सिर्फ दो ओवर अगर मिलते, लेकिन ये बहुत लेट आए, इनकी सेंचुरी रह गई है भाई। लेकिन यार वनडे में भी ये बंदा 20 खेलता है यार, क्या प्लेयर है यार। 360 ऐसी नहीं कहते। तो जल्दी देखते हैं ग्लोबल भारत टीवी का वीडियो है, तो काउंट करते हैं रिटर्न आंसर। घंटों तक देखा खुद का वीडियो गुरु एबी डिविलियर्स से की बात, फिर लिया माँ का आशीर्वाद और गाड़ दिया झंडा। T20 के बाद वनडे में भी आया सूर्या भाव का तूफान, एक ओवर में लगाए लगातार चार छक्के, युवराज सिंह की आई याद। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ग्रीन का चेहरा हुआ लाल, कहकर लौटे सूर्या इस वर्ल्ड कप में मारेंगे 13 शतक, बनाएंगे रिकॉर्ड। जो लोग कहते थे कि सूर्य कुमार यादव वनडे का खिलाड़ी नहीं है, ये सिर्फ T20 का बादशाह है, वो सूर्या की ये पारी बार बार देखनी। हम बताएंगे कि सूर्या ने ये फॉर्म वापस कैसे हासिल की, T20 वाला आत्मविश्वास वनडे में कैसा लौटा, वो पांच काम सूर्या ने कौन से किए जो वनडे में भी उन्हें किंग बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उस ओवर की कहानी सुनिए जिसमें सूर्या ने लगातार छक्के लगाए। ये पल सूर्या के फैंस के लिए सबसे रोमांचक था। 41वें ओवर की पहली गेंद लेकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैमरून ग्रीन दौड़े तो सूर्या ने उसे सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया। दूसरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर छक्का लगाया। तीसरी गेंद आई तो पोजीशन बदली और फिर छक्का जड़ दिया। अब तक कमेंटेटर भी कहने लगे थे कि क्या सूर्य कुमार यादव आज 6 गेंद पर 6 छक्का मारने के मूड में आए हैं। और चौथी गेंद जैसे ही आई डीप मिड विकेट के ऊपर से उसे भी बाउंड्री के पार भेज दिया। मतलब 4 गेंद में सूर्य कुमार यादव 24 रन बटोर चुके थे और अभी 2 गेंदे बाकी थी। पर अफसोस बाकी की 2 गेंदों पर छक्का नहीं लग सका, वरना सूर्य कुमार यादव का नाम भी युवराज सिंह वाली लिस्ट में शामिल हो जाता। हालांकि बावजूद उसके सूर्या के बल्ले से निकली इस पारी की तुलना युवराज सिंह से की जा रही है, क्योंकि एक ओवर में 4 छक्के वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ लगाना आसान नहीं है। 37 गेंद पर 6 चौके और 6 छक्के लगाकर 72 रनों की पारी खेलकर भी सूर्य कुमार यादव ऐसा लगा खुश नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे सबसे तेज शतक पूरा किया जाए। हालांकि उनका ये सपना यहां पर साकार नहीं हो सका, पर वर्ल्ड कप में सूर्या के बल्ले से 13 शतक आ सकता है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव की खास बात यह है कि अगर वो शुरुआती 25 गेंदों में 50 रन बनाते हैं और अगले 50 रन के लिए वो 25 से भी कम गेंद लेते हैं और जैसे जैसे स्कोर बढ़ता है चौके छक्कों की संख्या बढ़ती जाती है। अब तक वनडे में 13 शतक सिर्फ स्टीफन नीरो नाम के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने लगाया है, वो भी ब्लाइंड क्रिकेट इंटरनेशनल मुकाबले में। वैसे दोहरे शतक का रिकॉर्ड टीम इंडिया में गिल, ईशान किशन और रोहित सबके नाम है, पर 13 शतक वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह भी है कि मुश्किल से वनडे में 300 से 400 रनों का आंकड़ा पार होता है, तो ऐसे में एक ही खिलाड़ी 300 रन कैसे बना सकता है। लेकिन असंभव को संभव बनाने का नाम ही सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव ने पहले वनडे में भी शानदार अर्धशतक लगाया और दूसरे वनडे में भी शानदार पारी खेली, जिसके बाद उनके फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि सूर्या ने ये कैसे किया। तो उन्होंने 5 बड़े काम किए जिससे उनका लय वनडे में भी लौट चुका है। पहला, वनडे मैच का हर वीडियो उन्होंने बार बार देखा और समझा कि कौन सा शॉट नहीं खेलना था, यहाँ क्या क्या कर सकता था। दूसरा, अपने गुरु एबी डिविलियर्स से फोन पर बातचीत की, दिक्कतें बताई, कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, कोहली और धोनी से भी सूर्या ने सलाह ली। तीसरा, अपने स्टाइल के शॉट पर और मेहनत की ताकि 50 ओवर की मैच का दबाव उनके ऊपर हावी ना होने पाए। चौथा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी से बातचीत की, वो खुद कहते हैं कि हर मैच से पहले बात करता हूँ। पांचवा, माँ बाप का आशीर्वाद इस मैच से पहले भी लिया और जैसे ही फील्ड पर उतरे झंडा गाड़ दिया। सूर्या की इस तूफानी पारी में शतक तो नहीं है, पर खुशी शतक से भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि BCCI भी यही चाहता था कि सूर्या का फॉर्म लौटे और हमें वर्ल्ड कप में वो खिलाड़ी मिले जो कम गेंदों पर मैच जिताने का मादा रखता हो। अब श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी लौट चुका है, उन्होंने भी इस मैच में शतक लगाए हैं, तो नंबर 4 की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। आप क्या चाहेंगे, नंबर 4 सूर्या के लिए फिक्स हो या फिर सूर्या और अय्यर दोनों टीम में रहें? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जिन्हें लगता है कि सूर्या T20 का खिलाड़ी है उन तक ये वीडियो भी पहुंचाएं ताकि वो समझ सकें कि सूर्या के ताप से जब ऑस्ट्रेलिया के टॉप खिलाड़ी कैमरून ग्रीन का चेहरा लाल हो गया तो बाकी विदेशियों का क्या होगा। सही बात है,
सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप में मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इनको खिलाना चाहिए। उसकी बैर वजह वो ये खेल रहे हैं वर्ल्ड कप मैं मुझे पता है, लेकिन बाजुकात इनको ड्रॉप भी कर देते हैं, दूसरा खिलाड़ी आ जाता है ना। मैं इसकी मेन वजह ये ना, मैन खिलाड़ी मैं यही कह रहा हूँ मुश्किल मैच में रखे, जो ऐसा बंदा जो ऐसा मैच हो जो जीतना हो, जो मुश्किल मैच उसमें आपको जिता कर दिखाएगा, ये ऐसा प्लेयर है वाकई में, वाकई में ये ऐसा प्लेयर है यार। जब पूरी टीम को जरूरत होगी सूर्य खड़ा होगा, सही बोल रहा हूँ। और भाई वाकई इनकी फॉर्म का बहुत मजाक उड़ाते हैं, T20 मतलब कुछ कहते थे सस्ता एबी डिविलियर्स, कुछ कहते थे चोर बाजार का 360, मतलब बहुत घटिया घटिया इनके ऊपर बातें, बड़ी घटिया बात लोगों ने इतनी, लेकिन कल इन्होंने ऐसी मारी है ऑस्ट्रेलिया की ना वो, और उनकी भी मारी गई है जो ऐसी जो बातें कर देते हैं, सीरियसली ऐसी ऐसी बातें जिन्होंने की है, ऐसी ऐसी शॉट्स इन्होंने खेल ली है देखकर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इन्होंने सीरीज खेली थी ये तीनों मैचों में 0 पे आउट हुए थे, तीनों में बिल्कुल ठीक है। और अकाल ऑस्ट्रेलिया को वापस धोया, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाफ सेंचुरी, कल के मैच में तो धो डाला, कल तो मैं चलो पहले मैच में इतना मतलब नॉर्मल स्लो खेले, लेकिन कल के मैच में कैमरॉन ग्रीन तो कहता होगा भाई हाथ जोड़ता हूँ तेरे, माफ कर दे मुझे भाई, मैं तुझे मिला था यही और किसी को, लेकिन कल जो भी आया ना उसने मार खाई, सबने मार खाई है भाई। मैं फिर वही कहूंगा, मैंने कल भी यही बात बोली थी, मैं आज भी यही बात बोल रहा हूँ कि यार इस टाइम इंडिया जो है ना पाकिस्तान को जब मैच होगा ना, मैं कहता हूँ धो डालेगा, सूर्य से बच के रहो, बच के रहो, अभी तक ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, जिस दिन चला तो ना कुछ चने चबवा देगा भाई, मेरे ये धो डालेगा, ये इंडियन टीम ऐसी ये धो डालेगी, खाली पाकिस्तान भी आ जाए, कोई टीम भी आ जाए धो डालेगी भाई। मैं कल भी यही बात बोली थी कि यार ये टीम ऐसी टीम है जिससे अभी मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया, सही बात है। इसके तकरीबन सभी खिलाड़ी फॉर्म में वापस, सभी बॉलर्स फॉर्म में आए हैं, बैटर्स फॉर्म में आए हैं, बॉलर्स वाकई देख लो, बैट्समैन को देख लो, अभी तो जंग चल रही है भाई, कौन सा शामिल करे और कौन सा ना करे, सही बात। तो मेरी नजर में सबसे ज्यादा डिसीजन लेने में इस दफा जो है ना सिलेक्टर्स को जो है ना मुश्किल पेश आने वाली है भाई, मेरे सिलेक्टर्स और कैप्टन को सच में यार बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आने वाली है, हर कोई फॉर्म में, हर कोई फॉर्म में भाई, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फॉर्म में ना हो, सही बोला है बिल्कुल सही, हर कोई लगभग फॉर्म में, और बाकी इस दफा बहुत दिक्कत होने लगी है इंडिया। देखो एक और प्रेडिक्शन हो रही है, 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया जीता था ना तो उस टाइम फॉर्म में था, नंबर वन टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, फिर 2019 में जब इंग्लैंड जीता था नंबर वन टीम थी इंग्लैंड की, अब कह रहे हैं 2023 से तो नंबर वन टीम है भाई, तो वर्ल्ड कप है, क्या होता है ये वक्त बताएगा अपना, बहुत ज्यादा कारक है।